डॉक्टर संतोष, आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब के वीडियो में। दोस्तों, आज कुछ हटके बात करेंगे। जी हां, जो वीडियोस मैंने बनाया है उनके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने अलग तरह के सवाल पूछे हैं। और ये एक एप्लीकेशन आता है, आपको पता होगा, वाईटी स्टूडियो करके। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह का होता है उसका आइकन। ये इस तरह का होता है, आप देख रहे होंगे। तो ये डिटेल्स में आ जाता है पूरा। यहाँ पर कमेंट्स अगर देखे तो पूरे वीडियोस के नीचे नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, पूरा डिटेल्स यहाँ पर कमेंट्स आ जाते हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूं, सारे कमेंट्स यहां पर आ जाते हैं। तो कौन से वीडियो में कौन से कमेंट्स आए हैं, डिटेल सारे कमेंट्स का तो जवाब देना मुमकिन नहीं हो पाता ड्यू टू बिजी शेड्यूल। तो मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक तो वीडियो बना ली जाए। जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कमेंट्स में भेजे गए हैं, जो लोगों का डाउट है, जो सवाल है, कुछ उनके ऊपर जिक्र करेंगे। यहाँ पर ये चीज होता है जो लाइव में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका कारण यह है कि लाइव में जो सवाल आते हैं वहां पर सिर्फ लोग क्रॉनिक केसेस की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आता है बहुत सारे डाउट्स आते हैं लोगों के मन में। वीडियो से रिलेटेड जो डाउट्स है वो सारे कमेंट्स में आते हैं। और मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो बना ली जाए, ताकि इस तरह के जो डाउट्स है अगर बहुत सारे लोगों के मन में हो तो उनको भी वीडियो देखकर क्लैरिफाई कर दूं। तो शुरुआत करते हैं एक नए तरह का, जो मैं आज शुरुआत करने वाला हूं, जो लेटेस्ट कमेंट्स आए हैं। आज इस पहले पार्ट में आप उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहला जो कमेंट आया है, एक अच्छा सा कमेंट से शुरुआत करते हैं। रोबिनिया क्यू वाले जो मैंने वीडियो बनाया, उसमें हमारे साइज सेकंड जी ने कमेंट दिया है कि डॉक्टर साहब आपको बहुत दुआ मिल रही है, बहुत अच्छा वीडियो लगा, थैंक्स। तो आपको भी सेकंड जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला सवाल ले लेते हैं, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन एक्सप्लेनेशन एफरिज्म 4041 जो अभी एक दिन पहले मैंने बनाया था, उसका जो कमेंट आया है, मैं पासिफ्लोरा क्यू SBL की ले रही हूँ नींद के लिए, बट पासिफ्लोरा क्यू टेस्ट करवाना कड़वा सा लगता है, मुझे वोमिटिंग हो जाती है, मैं क्या करूं? देखिए अनिल कुमार जी, उन्होंने ये सवाल पूछा है। कोई भी मदर टिंचर अगर आप ले, थोड़े से पानी में लेने की जरूरत नहीं है, जो थोड़ा ज्यादा पानी ले लीजिए। इससे क्या होता है कि उसका जो कड़ापन होता है, उसका कड़वा हो या खट्टा हो, एसिड जो मदर टिंचर होता है वो खट्टा होता है, आप थोड़े से पानी में लेंगे तो खा नहीं पाएंगे। मदर टिंचर आप थोड़े ज्यादा पानी में ले लीजिए, उससे बहुत बढ़िया होगा। और इससे ये होगा कि उसका जो कड़ापन है वो दूर हो जाता है। बहुत सारे लोगों की दोस्तों ये थिंकिंग होती है कि मदर टिंचर हो, डाइल्यूशन हो, होम्योपैथी मेडिसिन, थोड़े से पानी में लो बढ़िया काम करेगा, थोड़े ज्यादा पानी में ले लो काम नहीं करता या फिर कम करता है। ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं होता। आप कितने भी पानी में क्यों ना ले ले, काम तो उतना ही करेगा। इसीलिए मदर टिंचर थोड़े ज्यादा पानी में, आधे कप कप या आधे ग्लास पानी में भी आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो सवाल हम ले लेते हैं, होम्योपैथिक एनर्जी सप्लीमेंट वाले मेरे वीडियो में साना जी ने पूछा है कि ये सारे मेडिसिन कितनी पोटेंसी में लेनी है। जो जो मैंने मदर टिंचर्स वाले कहा है वो 10 बूंद आप दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, और जो पोटेंसी वाली मेडिसिन मैंने कहा है वो 3 से 4 बूंद 5 बूंद तक आप डायरेक्टली जीभ पे खाली पेट ले सकते हैं, आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद। अगला सवाल है, मेरे जो टॉप 3 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर DHT हार्मोन कंट्रोल, उसमें राहुल कटारिया जी ने पूछा है कि अगर डैंड्रफ बहुत ज्यादा है और एलोपेशिया भी है, एक इंसान को दोनों प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैंने उस वीडियो में भी जिक्र किया है कि हमारा जो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट होता है सारे सिम्टम्स को मिलाकर एक स्पेसिफिक मेडिसिन चूज की जाती है। तो ये दोनों अगर आपको है तो फॉस्फोरस भी हो सकता है सबसे बेहतरीन मेडिसिन, आर्सेनिकम आल्बम भी हो सकता है, ये मैच करना होगा। सिर्फ ये दोनों प्रॉब्लम नहीं, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जो आपको सारे चीजों को मैच करके देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा स्पेसिफिक रहेगा, तो उसके मुताबिक हम सिलेक्शन करते हैं। और
होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर स्पाइनल स्टेनोसिस पे लैन मोर एस्ट्रोलॉजी ने उन्होंने कहा है कि आई हैव स्पाइनल कैनल स्टेनोसिस, आई वांट टू ट्रीट माय प्रॉब्लम विद यू। तो गाइड करने के लिए उन्होंने कहा है और अपना नंबर भी उन्होंने दिया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़िए 9040004023 अगर आपको ऑनलाइन ट्रीटमेंट चाहिए, अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, पूरा क्रॉनिक ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आप मेरे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए और उसके साथ साथ आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा। और अगला सवाल जो हम ले लेते हैं, होम्योपैथी ट्रीटमेंट फॉर एक्यूट एंड क्रॉनिक कॉफ वाले मेरे वीडियो में महेश जी ने बोला है कि प्लीज लेट मी नो इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर कफ एंड कोल्ड जस्ट आफ्टर 5 मिनट्स। आई एम गोइंग फॉर वेट सर्दी एंड कफ, दिस इज ड्यू टू सडन चेंज ऑफ वेदर एंड आई एम रेसिडिंग नागपुर इन महाराष्ट्र। तो बेसिकली वो महाराष्ट्र नागपुर से बिलोंग करते हैं। ये मे बी सर्दी जुकाम उनका एलर्जी कंडीशन के कारण हो सकता है, बहुत सारे मेडिसिन है, उसके लिए उनको केस टेकिंग करना पड़ेगा और क्रॉनिक ट्रीटमेंट भी लेनी पड़ेगी। मैं उनको ये सजेस्ट करता हूँ, आप व्हाट्सएप से जुड़िए 9040004063, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। आप पूरा अपना नाम लिखकर, अपना प्रॉब्लम लिखकर भेजिए और जितने भी क्रॉनिक केसेस हैं पूरा कोर्स लेने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा। उसके लिए आपको एक परफेक्ट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, पूरा फाइल डॉक्यूमेंटेशन हमारे क्लिनिक में रह जाएगी और मैं पर्सनली आपको गाइड करूंगा हर 15 दिन में। आगे बढ़ते हैं, जो मदर टिंचर वाला और डाइल्यूशन वाला वीडियो है उसमें हमारे एक बाहर के शायद ये है, उन्होंने लिखा है कि डियर डॉक्टर आई डोंट स्पीक इन इंडियन लैंग्वेजेस बट रियली अप्रिशिएट इन इट एंड इफ यू कुड टेल मी द डिफरेंस बिटवीन द टू आल्सो इज डेंजरस टू हैंडल ईदर वन मदर टीचर और डाइल्यूशन विद बेयर हैंड्स। डू आई नीड टू इमीडिएटली वॉश माय हैंड्स इफ दीज आइटम्स गेट इनटू ऑन टू माय पोर बेयर स्किन एंड डू आई नीड टू अनलोड इट प्लीज इगली वेटिंग फॉर योर हेल्प मेनी मेनी थैंक्स इन एडवांस। देखिए कितना बढ़िया सवाल है, मैं आपको हिंदी में थोड़ा बता देता हूँ। इन्होंने जो नाम करके कुछ है इनका लिखा है, नाम डिटेल नहीं दिया है, तो उन्होंने ये लिखा है कि उनको हिंदी समझ में नहीं आती और उन्होंने इंग्लिश में बोलने को कहा है। उनका ये डाउट है कि मदर टीचर और डाइल्यूशन की जो बात मैं कर रहा हूँ वो खतरा है क्या, पॉइजनस है क्या, उनको हाथ लगने पर हम अच्छी तरह धो सकते हैं क्या, उन्होंने ये बोला है। कहीं ये मतलब डेंजरस तो नहीं है, उनको हाथ खाली हाथ अगर लग जाए तो डेंजरस तो नहीं। मतलब लोग देखिए आज भी होम्योपैथी से कितने अनजान हैं, इतने कोशिश करने के बावजूद, इतना पॉपुलैरिटी आने के बावजूद होम्योपैथी का लोग उसका जो फंडामेंटल थिंग है उसको नहीं जानते लोग। आज भी ये लोगों के मन में अफवाह फैला दी जाती है कि इसको छू लेने से कुछ हो जाएगा, खाली हाथ ही अगर ये गिर जाए तो कुछ हो जाएगा उनको, ये भी सोचते हैं वो लोग। तो मैंने उनको ये रिप्लाई दिया था, नो सच प्रॉब्लम्स टू वरी। तो उन्होंने फिर से जवाब दिया है, डॉक्टर संतोष कुमार भाड़ी, ओ थैंक यू सो मच एंड रेस्पॉन्डिंग माई क्यूरी, दिस इज क्विक एंड आई एम सब्सक्राइब टू योर चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, एनी हाउ बहुत बहुत धन्यवाद नाम जी। और मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा, बेसिकली दीज होम्योपैथिक रेमेडीज आर नॉट एट ऑल डेंजरस इफ यू टच देम, दे मे बी कॉन्टामिनेटेड विथ योर बेयर हैंड्स, दे आर नॉट एट ऑल डेंजरस, सो डोंट वरी, यूज ओनली होम्योपैथिक मेडिसिन, दे आर एब्सोल्युटली सेफ, एब्सोल्युटली सेफ टू हैंडल, सेफ टू टेक, सेफ टू यूज एक्सटर्नली और इंटरनली। मैं हर एक इंसान से कहना चाहता हूँ कि जो भी गलत अफवाहें हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर क्लेरिफाई करें, व्हाट्सएप में आप अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर आकर क्लेरिफाई करें, लेकिन किसी भी अफवाह के साथ मत जाइए। ये सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी को बदनाम करने के लिए है, कोई ऐसी चीज नहीं है। और जो कोई डाउट है आप उससे पूछ सकते हैं। और अगला सवाल हम ले लेते हैं, ऑरल मेडिसिन वाले जो वीडियो है उसमें आया है, डॉक्टर सर आया है इन्फेक्शन इन थ्रोट फ्रॉम 3 मंथ्स एंड फील ड्राई स्क्रैच बर्निंग सेंसेशन ये सब हो रहा है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि पहले आप बेलाडोना 30 दिन में 2 बार करके 5 डेज लीजिए, फिर उसके बाद उसका कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन आप चूज करेंगे। और अगला ले लेते हैं, बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर इक्थियोसिस वाले वीडियो में
जारा जी लिखते हैं, आई एम ए गर्ल एट दिस प्रॉब्लम, आई हैव इक्टोसिस, प्लीज कैन यू हेल्प मी एंड टेल मी इज देयर ट्रीटमेंट फॉर दिस। बिल्कुल होम्योपैथी के सिस्टम इसमें बढ़िया सा ट्रीटमेंट है, और इक्टोसिस का जो केस है थोड़ा स्लोली इसका एक्शन आता है, लेकिन ये बिल्कुल क्योर होता है। बॉडी में अगर कहीं भी ऑयली जो कंटेंट होता है, जो हमारा जो ऑयली ग्लैंड होता है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं तो ये बिल्कुल जो ड्राईनेस आ जाती है स्किन में, उसके साथ साथ स्किन का जो भी खराब कंडीशन आ जाता है वो दूर हो जाता है होम्योपैथिक मेडिसिन के इस्तेमाल से। तो आपको कोर्स लेना चाहिए, इसका डिटेल कोर्स आता है, बिल्कुल आप क्योर हो जाएंगे। और होम्योपैथी मिथ्स एंड फैक्ट्स वाले जो मेरे वीडियो है उसमें SS ब्लॉग जी बोलते हैं कि कुछ ज्यादा एक्शन में हो गुरु। हाँ बिल्कुल, उस वक्त एक ऐसा केस आया था, मैंने वो कॉल रिसीव किया था, मैंने उसमें बताया भी है, और आप यकीन नहीं करेंगे उस वीडियो में बड़े अजीब तरह के कमेंट्स आए हैं बहुत सारे। और आगे बढ़ते हैं, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन वाले वीडियो में फिर से एक और एक कमेंट आया है, गुड आफ्टरनून सर, कोई ऐसा होम्योपैथिक मेडिसिन हो जो पका हुआ जख्म को पूरा पास को भर निकाल दे, जख्म को पूरा पस को बाहर निकाल दे। अच्छा, तो उन्होंने पस को PSH कर दिया है, पस मैं समझ नहीं पाया, पस को पका हुआ मतलब थोड़ा पका हुआ है और उसको बाहर निकालने की बात वो कर रहे हैं। तो कई बार मैंने अपने वीडियो में बॉयल वाले वीडियो में भी कहा है कि आप अगर मैरिस्टिका 3X या फिर हिपरसल्फ का जो लोअर पोटेंसी, अभी मैंने उसका वीडियो बनाया था, उसका आप लोअर पोटेंसी लेंगे तो बहुत ही बढ़िया काम देता है। रिपीटेशनली आपको लेना है, एक एक दो दो घंटे में लीजिए, तुरंत लिए फट जाएगा और पस बाहर निकल आएगा। फिर उसको सुखाने के लिए सालिशियर 200 का 2 से 3 डोज काम आए, बढ़िया काम करता है। और हिपरसल्फ ड्रग पिक्चर या आ गया वीडियो, उसमें फरहत शेख जी ने लिखा है कि मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, वेरी नाइस इन्फॉर्मेशन, गॉड ब्लेस यू, मेरे बेटे को डॉक्टर ने हिपरसल्फ दी थी और बोल दिए रोजाना 2 ड्रॉप में, मैंने 1 महीने तक भी कोई आगे नहीं बताया कब बंद करना है, क्या आपकी वीडियो देखने के बाद अब मैं नहीं दूंगी, थैंक्स अ लॉट। हाँ बिल्कुल सही बात आपने कहा है, ऐसा बहुत बार होता है कि जो भी डिफेक्टिंग मेडिसिन है उनको हायर पोटेंसी में बार बार रिपीट करके महीनों तक रिपीट करने को बोला जाता है। मैंने कितनी बार कहा है ये नहीं करनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, हायर पोटेंसी में कोई भी दवाई को आपको महीने तक रिपीट नहीं करनी चाहिए। अगर वो 30 है तो मिनिमम 10 डेज से 15 डेज ले सकते हैं, अगर वो 200 पोटेंसी है तो 2 से 3 डोज लो, और अगर ज़्यादा डिफेक्टिंग नहीं है, शॉर्ट एक्टिंग है तो 4 से 5 डोज भी ले सकते हैं, डिफेक्टिंग है तो 1 डोज ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा लेंगे तो उसका एग्रावेशन होगा ही। बहुत सारे लोगों को ये एग्रावेशन हुआ है, आप अगर इस एग्रावेशन से दूर रहना चाहते हैं तो सिर्फ 1 या 2 डोज का इस्तेमाल करें, 200 का, वार्निंग का तो डेफिनेटली 1 ही डोज है। मुझे कल किसी ने फोन किया था ऑनलाइन कंसल्टेशन के दौरान, उन्होंने बताया मुझे कि छत्तीसगढ़ के हमारे एक डॉक्टर हैं जिन्होंने उनको दिया वार्निंग का जो टिबरकुलिनम, वार्निंग का कितनी बार रिपीट किया है उनको, 1 महीने में 3-3, 4-4 बार। इसका नतीजा क्या हुआ, उनको वायरल एग्रावेशन हुआ और जितने भी ट्यूबरकुलिनम का लक्षण था सारा भी उनमें आ गया है, उन्होंने कंसल्ट किया है, उनको ट्यूबरकुलिनम का लोअर पोटेंसी मैं देने वाला हूं जिससे कि वो एग्रावेशन खत्म हो। तो ऐसा ना करें आप कभी भी, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों को डॉक्टर नहीं जान पाते, अनवांटेड एग्रावेशन होता है, बीमारी बहुत हद से ज्यादा बढ़ जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, आने वाले जो वीडियोस में और भी कुछ इस तरह से इंटरेस्टिंग जो कमेंट्स है उनके बारे में मैं जिक्र करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, नमस्कार।